दहेज के लोभियों ने एक और बेटी की ले ली जान। मृतक श्रीदेवी के भाई हरीश चंद वर्मा ने बताया कि मैंने अपनी बहन की शादी 5 वर्ष पूर्व रघुनाथपुर के निवासी विजय पाल के साथ अपने सामर्थ्य के हिसाब से दान दहेज देकर बड़े ही धूमधाम से की थी, लेकिन बहनोई विजय पाल दहेज की डिमांड लगातार जारी कर रहा था और मारने की धमकी भी दे रहा था। होली पर कपड़ों की डिमांड रखी थी जो भाई हरिश्चंद्र वर्मा ने मांग को पूरा किया और 20,000 रुपए भी मांगा गया था, वो भी उन्होंने दे दिया। उसके बाद भी दहेज लोभी विजय पाल की दहेज की मांग बंद नहीं हुई। घटना 29 अप्रैल 2022 की है कि लगभग 3 बजे सूचना मिली कि बहन की मृत्यु हो गई है। तब बहन श्रीदेवी के घर पहुंचे तो वहां पर श्रीदेवी मृत पड़ी हुई थी। अमृतसर श्रीदेवी के 2 पुत्र हैं, एक 2.5 साल का, एक 5 साल का। उनसे जब श्रीदेवी के पिता ने पूछा तब उस बच्चे ने बताया कि पापा ने मम्मी को मारा है और दवाई पिला दी। उसके बाद बच्चे को वहां से हटा दिया गया और बात नहीं करने दिया गया। लगभग 10 बजे 12 दिन पहले 50,000 की मांग की थी, ना देने पर लड़की को मारने की भी धमकी दे रहे थे। बच्चे ने बताया पापा विजय पाल पुत्र लीलाधर और ताऊ ने मिलकर मारा है। ताऊ का नाम मनीष, पुत्र लीलाधर, दोनों लोगों ने मिलकर मम्मी को मारा और दवा पिलाई। मृतक के भाई का कहना है कि उन्हें लोग धमकी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि मैंने बहन को तो मार दिया है, देखे मेरा अब क्या करोगे, जो करना है वो कर लो। मृतक के भाई हरीश चंद्र वर्मा, स्वतंत्र पाल, मृतक के चाचा ब्रजपाल प्रशासन से निष्पक्ष जांच न्याय की गुहार कर रहे हैं। बोल। मेरा नाम हरीश चंद्र वर्मा है, मैं सिंगापुर कनई थाना बंडा शाहजहाँपुर का रहने वाला हूँ। मैंने अपनी बहन की शादी 5 साल पूर्व रघुनाथपुर के विजयपाल पुत्र लीलाधर के साथ की थी। बाद में शादी के बाद से ही वो लोग दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे, आए दिन पैसे की मांग करते थे तथा कल 29 तारीख को मेरी बहन की मारकर हत्या कर दी और मुझे सूचना भी नहीं दी। गांव वालों ने मुझे फ़ोन करके बताया कि तुम्हारी बहन की हत्या कर दी है। जब हम मौके पर पहुँचे तो वो हमें मरी पड़ी मिली थी तथा पुलिस से हमने तुरंत कार्रवाई के लिए दिया एप्लीकेशन दी है और पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए लाश भेज दी है तथा प्रशासन से हमारा निवेदन है कि इस पर तुरंत ही कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। पीलीभीत से हमारे संवाददाता निजाकत अली की रिपोर्ट।